से बांदेड़ गांव में है और यहां पर बताया जा रहा है कि करीब 1000 वोट, 1000 से कुछ ज्यादा कम हो सकते हैं। गांव बड़ा है लेकिन गांव की स्थिति देखिए, ये गांव की स्थिति है। एक तरफ भारत सरकार कह रही है स्वच्छता अभियान और दूसरी तरफ लाडनो तहसील के बांदेड़ गांव में ये दृश्य नजर आ रहा है। चलिए अभी इन लोगों से बात करते हैं। हमको तो जो दिखा वो हमने आपको दिखा दिया। बताइए सर, यहाँ से किसको कमल का फूल, हाथ का पंजा या कोई और? और भाई बताओ, केंद्र सरकार में तो मोदी। चलो एक बार, 2019 में मोदी फिक्स, लेकिन 2018 में या राजस्थान विधानसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी? नहीं आएगी। आपकी लाडनो तहसील से या राजस्थान से ही बोल रहे हैं? राजस्थान से। राजस्थान से लाडनो में आएगी? लाडनो में नहीं आएगी। लाडनो में? लाडनो में नहीं आएगी। नहीं आएगी। आप बोलो सर। लग तो ऐसा ही रहेगा, इस बार वसुंधरा की सरकार जाएगी राजस्थान पर। अपना अपना बताओ पहले, लाडनो तहसील का। लाडनो तहसील में अपना भी ना बीजेपी आएगा ना कांग्रेस आएगा, टिकट कंफर्म होने पे आए थे। आप क्या सिटिंग एमएलए ठाकर से आप हैं भाई? दो वो आ जाए तो, या कोई दूसरा आए तो, उसमें फर्क है क्या? ठाकर साहब आया निखिल जी, क्या बात, ये ठाकर साहब के आने से बीजेपी निकल जाएगी। अब बोलो आप, आपको क्या लगता है? हाँ टिकट पे है, टिकट देखो किस चीज़ को उनकी बीजेपी से कैंडिडेट तो है। अच्छा। उनको मिलती है तो फिर निकलेगी। और वो दूसरा आ गया तो दूसरा आप बताओ सर, किन दो वोट, किन दो किन दो के दो को नहीं वोट? कांग्रेस में। वोट कांग्रेस में। आप इनको देख करके हाँ, इतनी देर तक बोल नहीं रहे थे, ये बोलते ही बोल दिए कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस की सीट आई, वोट अब की बार कांग्रेस की सीट में दे दिया। आप बोलो साहब, किन दो वोट? बीजेपी ने दी। हमारा वोट भी पहले क्या कैसे ही बीजेपी ने दी। बाडेलो प्योर बीजेपी है। और वो गांव है ना, बाडेलो। अच्छा, वो गांव है ना, 40 और 50 चालीस पचास वोट है? नहीं, 40 और 50 घर है। घर नहीं, वोट वोट है। मैं पूरा बीजेपी का 40 और 50 और 10% अदर। वो अटेगी बोलो। हाँ अटेगी वो। 50% किन बोलो? 50% कांग्रेस को, 40% बीजेपी को, 10 अदर। और ठाकरे साहब आ गए तो? ठाकरे साहब बोलते 40% है, पक्का है। मैं पक्का दूसरा हूँ, पक्का को दूसरा हूँ, 40% पक्का को मैं पक्का। और पास को गांव किसे बतायो? पास को गांव बाडेलो। पिन कितना वोट? प्योर बीजेपी, जितना वोट है जितना कितना है? 15 घर है। पिन वोट है लगभग, मान लेता है 150-200 वोट है। 400 वोट है। 400 वोट को बताओ, 200-300 1500 गांव है। भाई नाम बतायो, बाडेला पूरा का पूरा बीजेपी, पूरा का पूरा बीजेपी, 200-300-400 जो भी वोट होंगे वो पूरा का पूरा बीजेपी का है। कांग्रेस का वहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, निर्विरोध बीजेपी, निर्विरोध बीजेपी, कांग्रेस का एक भी वोट नहीं, एक भी वोट नहीं। वाह साहब वाह। और लेकिन यहाँ पर 40 और 50 का एवरेज बता रहे हैं, मतलब बीजेपी कल हमने जो दौरा किया था वहाँ बीजेपी बढ़त में थी, आज कांग्रेस का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी लग रहा है। तो लाडनो विधानसभा सीट से टक्कर कांटे की है, कहीं बीजेपी दिख रही है टिकट मिलती है। नाटा नाटा जी करके सागर मजी हुए भी बालियों का बीजेपी के मालियों का उसको वोट मिल सकता है। सागर लाटा को मिलेगा, अगर वो सागरमल लाटा उम्मीदवार बन के आए तो उनको वोट मिलेगा, पक्का मिलेगा। और अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं दे, निर्दलीय बनकर आए, निर्दलीय में तो लोग बोल रहे हैं दोनों पार्टियां नहीं बन दिया, निर्दलीय कांग्रेस होता है बीजेपी, जिसको टिकट मिलेगा ना टिकट का 15-12 रहेगा। अगर बीजेपी का वोट अगर सागरमल नाटा को निर्दलीय कटा 50% बीजेपी, 50% उसका मिल जाएगा। हाँ। फिर भी 50% कर ले, ले बीजेपी के वोट से 50% निकले लेगा। हाँ। तब ये बड़ी बात है ना, तब तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर बीजेपी का वोट बैंक से 50% ले ले, 50% तो इसका मतलब बीजेपी का उम्मीदवार ही हरा देगा फिर वो। हाँ। तो फिर बीजेपी का उम्मीदवार हार जाएगा वो तो पक्का है। हाँ?
सागरमल नाडा अगर खड़ा हो गया दिल्ली में, बीजेपी के 50% वोट ले लेगा। 50% कांग्रेस वाले आप नहीं दोगे? कांग्रेस वाले नहीं दोगे, नहीं। आपका वोट? सामने टक्कर आई हूँ जान पड़े निर्दलीय निकल सके। दो गांव की कैलकुलेशन हो गई है यहाँ पर। एक गांव पूरा का पूरा बीजेपी है, उसका नाम आपने बताया, और ये गांव है बादेड। दोनों की राशि एक है, बह से शुरू है, लेकिन अंतर बहुत है। इधर भी भेड़ है, बंदूक है, सब बह से चालू है। वो क्या है, ये भी गांव है, निर्दलीय वो सब 50% वाला है। 50% वाला है, आप वाले 40% वाला है, हमारा 40% और वो 100% वाला है। 100% है सर। तो इसका मतलब तो बीजेपी फिर अगर कादे को कोई निर्णय करे तो बीजेपी को फिर भी वोट आस है, नहीं तो बीजेपी को ले वोट मुश्किल है। अगली बार कांग्रेस अगर नहीं करी तो कांग्रेस और बेची का तो कर दी, तो अगर कर दी तो राजस्थान का मान बीजेपी पैसा गणा दिया लेकिन काम को नहीं हो रहा। सही बात है, मतलब वसुंधरा के प्रति नाराजगी है, मोदी के प्रति नाराजगी नहीं है। मोदी ठीक है, आप वोट दोगे 2019 में मोदी को? मोदी को देंगे लेकिन वसुंधरा को नहीं देंगे। चलिए ये बात पक्का, कांग्रेस वाले भी बोलते हैं 2019 में मोदी को वोट देंगे। एक बात है, इससे एक बात साफ हो गई, अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी हार भी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर में हारेगी। सेंटर में बीजेपी को आप लाओगे, मोदी को सब सपोर्ट करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। लेकिन तो लोकसभा 2019 में मोदी के लिए अच्छी खबर, लेकिन वसुंधरा के लिए खबर अच्छी नहीं है। बहुत बहुत आभार।